बोला। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अदनान भाई, ये आपके लिए आज स्पेशल मैं शेल उतारने के लिए जा रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कहा था कि आपने जो है कमीज़ उतार के शेल उतारना है, तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कमीज़ उतार के शेल कैसे उतार। ये देखें जी, आज मैं अभी मक्खियाँ उड़ाऊँगा और आपको दिखाता हूँ कि मक्खियाँ किस तरह उड़ाई जाती हैं। ये देखें ऊपर मक्खियाँ हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये हाथ से रहा साहब मक्खियाँ उड़ाई जा रही हैं, ठीक है। देख लो, कोई धुनी नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको सारे नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं दूसरी साइड से मक्खियाँ उड़ाऊँगा, ठीक है। अभी मक्खियाँ मैंने मुँह में डालनी है, फिर सर पर डालनी है, फिर सारे जिसम पर मलनी है, फिर आपको मैंने दिखाना। अब मैं इस साइड से मक्खियाँ ज़रा उड़ा लूँ। लो जी, आप एक दफ़ा इस साइड पे आएँ भाई, इनको इस साइड का भी नज़ारा कराएं। इस साइड से जी, ये देखें दोनों साइड से मक्खियाँ उड़ाई जा चुकी हैं, तो अब मैं इसकी कटाई करूँगा, ठीक है। वीडियो किस साइड से सीख आ रही है? ये देखें जी, कटाई का यही तरीका होता है जो मैं अपना रहा हूँ, ठीक है। जिस दोस्त ने, ये देखें, ठीक है, ये मक्खियाँ, कुछ लोग यहाँ से काटते हैं, ये जगह नहीं मुनासिब नहीं होता काटना, ठीक है। इस तरह काटें आप इसको, इस तरह शहद की मक्खियों के जो बच्चे हैं ना वो इसमें ना आए, ठीक है। आप देखें प्रॉपर जो छली है वो बेहतरीन तरीके से मैंने, मतलब कि ये देखें शहद नीचे आ रहा है। तो अब मैं इसको परली साइड का नाम सही होगा। नाज़रीन, ये शायद था जो कि सैफ ने उतारा है। तो ये आसफ भाई हैं माशाल्लाह, ये इस्लामाबाद फील्ड मेल से जो है शायद उतार रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, किसी भाई को खालस शायद की ज़रूरत हो तो रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह खालस मिलेगा।